हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और इस बार हम बात करेंगे तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार की। इसके पहले हम दो स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार कर चुके हैं, इस बार हम तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार बनते हैं कैसे, फिर हम बात करेंगे इस तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार का क्लासिकल म्यूजिक गाने बजाने में कहाँ कैसे उपयोग होता है, और तीसरी हम बात करेंगे ये सारे मेरुखंडी अलंकार पूरे पूरे कैसे गाते हैं, कैसे बजाते हैं और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो पहले देखते हैं मेरुखंडी अलंकार बनते हैं कैसे। तो देखिए, तीन स्वर की बात करते हैं तो पहले तीन स्वर लीजिए, सा रे ग। तो सा रे ग उसका अलंकार आपको मालूम है, रे ग म ग म प म प द प द नी ध नी सा। तो अब तीन स्वर वाले ये जो एक अलंकार हुआ पहला बेसिक अलंकार, इसमें पहला जो टुकड़ा है सा रे ग, उसमें आप सा वही के वही रखिए और रे ग जो है उसका उलट पुलट करके ग रे कर दीजिए। तो ये पहला पार्ट क्या बना, सा ग रे सा ग रे। तो उसका दूसरा पार्ट क्या बनेगा, रे म ग सा ग रे रे म ग ग प म म ध प प नी द द सा नी नी रे सा। इस तरह से ये पूरा दूसरा पार्ट बनेगा। अभी इसी तीन स्वर वालों अलंकार का तीसरा पार्ट क्या बनेगा, तीसरा अलंकार। तो हमने पहले लिया था सा रे ग, फिर लिया था सा ग रे, तो पहला स्वर था सा दोनों में। अब तीसरी बार हम एक अलंकार लेंगे, उसमें रे पहले लेंगे, रे फिर दो क्या बचे सा ग, रे सा ग। उसका अलंकार आगे कैसे बनेगा, रे सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नी नी द सा। तो ये पूरा अलंकार बनेगा। अभी इसी में फिर से रे पहले लीजिए, तो रे सा ग था, अभी रे ग सा हो जाएगा, रे ग सा, ये पहला पार्ट हो जाएगा। तो रे ग सा का अलंकार आगे कैसे बढ़ेगा, रे ग सा ग म रे म प ग प ध म ध नी प नी सा ध सा रे नी रे ग सा। तो ये पूरा रे ग सा वाला हो गया। अभी यही तीन स्वर सारे ग, उसमें पहले ग लेते हैं ग, अब बाकी क्या बचे सारे ग सारे ग ग सारे। इसका पूरा अलंकार कैसे बनेगा, ग सा रे म रे ग प ग म ध म प नी प ध सा ध नी रे नी सा। तो ये पूरा आरोह हो गया, इसी तरह से अवरोह भी होता है। अभी हम इसका ये पूरे सारे अलंकार हम गाएंगे भी और बजाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, अभी इसी एपिसोड में। लेकिन पहले इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं ये देखिए। देखिए ये छः अलंकार बने, सबका पहला पार्ट लीजिए, सा रे ग सा ग रे रे सा ग रे ग सा रे ग रे सा। तो ये पहले पहले तीन सबके पहले पहले पार्ट लिए। अब अभी कभी आप आलाप बजा रहे हैं, बहुत इत्मीनान से आराम से आपको आलाप बजाना है, तो ये तीन ही स्वर पे आपको ठहरना है आराम से। तो देखिए, समझो भोपाली में सारे ग आते हैं, तो भोपाली का आलाप आप लीजिए सा रे ग। फिर ये मेरुखंडी अलंकार के जो पांच पार्ट है सबको बार बार ले लीजिए। एक बात का ख्याल रखिए कि आपको कहाँ रेस्ट करना है, यानी ठहराव करना है, तो ये भोपाली में ग नी वादी समवादी है, तो इसमें ग वादी है, तो ग पे या तो सा पे हम आप ठहराव कर सकते हैं। तो ये पांच के छह छह के पार्ट एक साथ ले लीजिए, सा रे ग सा ग रे रे सा ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा। अब इसको आराम से इत्मीनान से बजाएंगे, तीन ही स्वर का आलाप आप कितना लंबा कर सकते हैं देखिए। Thank you.
हमने तीन ही स्वर गायें बजाए, लेकिन तीनों को उलट पुलट करके उसका मेरुखंडी बना के छह बार यही स्वर उलट पुलट करके गा सकते हैं। तो इसी तरह से हम समझे धनिषा की बात करें, उलट पुलट करके कई बार गा सकते हैं। सामने वाले को पता नहीं चला कि हमने कहां क्या रिपीट किया है, सब उलट पुलट होगा। धनी सा ध सा नी नी ध सा नी नी सा ध सा ध नी सा नी ध। तो इस तरह से आप स्वर गाते रहे उसको थोड़े ठहराव के साथ, तो लंबा आलाप कर सकते हैं। देखिए से ये मेरुखंडी अलंकार का आलाप में बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। आप काफी कम स्वरों को यूज करके काफी लंबे टाइम तक आलाप बजा सकते हैं। इसी तरह आप यमन की बात करें, नी रे गा, ये तीन ही स्वर लीजिए, इसमें आप घूमिए, नी रे गा नी गा रे नी रे गनी रे ग रे नी सा। तो इस तरह से आप सिर्फ तीन स्वरों को लेकर उसका मेरुखंड बनाकर बहुत लंबे समय तक आराम से आलाप कर सकते हैं। अभी मेरुखंड की प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मेरुखंड के जो अलंकार बने, सारे गरे ग म ग म प म प द, ये तो आपका जाना पहचाना है, इसमें थोड़ा सा उलट पुलट। सा ग रे रे म ग ग प म म ध प प नी द द सा नी नी रे सा। तो इस ऐसे टेढ़े मेढ़े सब अलंकार को लेके आप तान बनाइए, और तान को किसी भी राग के कोई बंदिश के साथ डाल दीजिए, बहुत बढ़िया सी तान बन जाएगी। सा नी द नी रे ग प सा नी द प म ग म प रे ग रे सा प सा नी द प म ग म सा ग रे रे म ग ग प म म द प प नी द द सा नी नी रे सा नी द प म ग रे सा प सा नी द प म ग म प रे ग रे सा। तो ये मेरुखंड मैंने एक ले लिया, उसका तान बना दिया और मुखड़े के साथ डाल दिया, तो बहुत बढ़िया सी तान हो जाएगी। इसी तरह आप कई मेरुखंड के अलग अलग अलंकार को पकड़ के उसकी तान बनाएंगे, तो जो नॉर्मल तान होगी उससे ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी और अच्छी लगने वाली तान बनेगी। आपका रियाज बहुत पक्का एकदम गाढ़ हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा। तो ये मेरुखंडी अलंकार हम अभी वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने सा रे ग सा ग रे रे सा वो ये बात किया, तो अभी हम उसको प टू प भी ले सकते हैं। तो अभी प से प वाले तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार वन बाय वन छह बनेंगे। देखिए प ध नी प नी ध, उसका पूरा अलंकार बनेगा। तो ये हम एक ट्राई कर लेते हैं, और तीन तीन स्वर वाले हैं तो दादरा ताल में हम बजाते हैं इसको 140 BPM की स्पीड में, खाली पांच
ए शार्प स्वर में। देखो वन बाय वन कैसे होता है, आप भी इसकी प्रैक्टिस अवश्य घर पे कीजिएगा, बहुत अच्छा रियाज हो जाएगा। तो देखिए पहला अलंकार है, बहुत ज्यादा पहचाना है, बदल दीजिए प नी ध, तो दूसरे उसके अलंकार क्या होंगे, प नी ध द सा नी, और आगे बढ़िए इस तरह से होगा, इसको बजाते हैं। Thank you.
लास्ट वाला नी पहले लेते हैं और ध प बाद में स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार। इसको आप सा से सा भी बजाइए, प से प भी बजाइए और उसका औरव भी बजाइए और उसको अलग अलग तीन या चार स्पीड में बजाइए, तो आपका जो स्वर ज्ञान है बहुत पक्का हो जाएगा, फिंगरिंग बहुत पक्की हो जाएगी और आपका नॉलेज म्यूजिक में बहुत ही बढ़ जाएगा। बहुत करने जैसा अलंकार है, इसको आप तान में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप आलाप में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको जरूर करना और इसको याद भी रखना। और जब भी आप कुछ आलाप बजाएं तो इसके टुकड़े कुछ निकाल के उसको आलाप में आप आराम से ठहराव के साथ बजाइए। जब आप बंदिश के साथ इसकी तान बनाएं तो तान भी इसकी अलग अलग उलट पुलट स्वरों के वो बना करके तान भी बनाएंगे तो तान भी बहुत अच्छी बनेगी। ओवरऑल आपकी सारी संगीत की प्रस्तुति बढ़िया हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले ये मेरुखंडी अलंकार के रियाज करना पड़ेगा, तो पूरे अलंकार सारे ताल के साथ आप बजाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप डेस लगा के चार मात्रा का भी कर सकते हैं, दो डेस लगा के पांच मात्रा का भी कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे फेर बदल कर सकते हैं। इसमें आप कोमल स्वर भी डाल सकते हैं तो कोमल स्वर के साथ भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी गनी कोमल करिए, कभी रे ध कोमल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरुखंडी अलंकार आपको अवश्य करना है। इसके बाद में आपको चार स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार, उसका प्रयोग कैसे होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कितने बनते हैं और सारे अलंकार की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम हम चार स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार की बात करेंगे। इस बार के लिए ये तीन स्वर वाले मेरुखंडी अलंकार आप सुनना, देखना और अवश्य प्रैक्टिस करना और उसका उपयोग भी आलाप में और तान में करना, बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे इस तरह के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत देखा सराहा और बहुत सारी तारीफें की है, आपने बहुत मुझे कॉमेंट्स भी दिए हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।